बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जवान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आता ही रहता है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब फाइनली इससे जुड़ी कुछ पुख्ता खबर सामने आई है। फैंस शाहरुख खान को फिल्म पठान में देखने के बाद फिर से देखने के लिए बेकरार है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की केमिस्ट्री काफी शानदार लगती है। हाल ही में दोनों फिल्म पठान में साथ नजर आए थे। इसी बीच फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट भी सामने आई है। शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर मिशन इम्पॉसिबल फिल्म जब थिएटर में रिलीज होगी उसी के बीच में रिलीज किया जाएगा। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म 12 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस खबर को सुनने के बाद फैंस काफी ज्यादा खुश है। बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान जो अपनी फिल्म पठान की सफलता का आनंद ले रहे हैं एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। शाहरुख की फिल्म के ट्रेलर का टॉम क्रूज की फिल्म से जुड़ाव काफी दिलचस्प है क्योंकि दोनों मेगा स्टार की दुनिया भर में एक जैसी फैन फॉलोइंग है और वे अपने अट्रैक्शन के लिए जाने जाते हैं। फिल्म ने साल 7 सितंबर को अपनी रिलीज डेट तय की है। पठान ने बॉक्स ऑफिस में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इससे पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसमें शाहरुख के मुंह पर पट्टी और खून नजर आ रहा था। 7 सितंबर 2013 को फिल्म रिलीज करने पर मेकर्स को काफी फायदा मिलेगा। बता दें इस दिन जन्माष्टमी भी है और छुट्टी भी, इसीलिए बॉक्स ऑफिस पर फायदा मिल सकता है। इस फिल्म का डायरेक्शन एटली संभाल ने किया है। इस फिल्म में विजय सेतुपति और नयनतारा भी नजर आएंगे। जवान को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रस्तुत कर रहा है। फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में है और ये गौरी खान द्वारा निर्मित है। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।